हिंगनघाट का एंकर है। विश्व आदिवासी दिवस और पेनवासी रवि मड़काम की स्मृति में रोटरी क्लब हिंगनघाट द्वारा वीरांगना महारानी दुर्गावती उत्सव स्मारक समिति की ओर से एक भव्य रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सप्तरंगी झंडा फहरा के और पेड़ लगाने के साथ एक भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। तिरुमल नितिन भाव मड़ावी द्वारा उद्घाटन किया गया। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष और नगराध्यक्ष प्रेम भाव बसंतानी, हिंगनघाट पंचायत समिति के सदस्य वैशाली ताई पुरकारे और नगर सेवक नरेश इवनाते, नीलेश पोगले भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कोविड-19 महामारी के प्रादुर्भाव के रहते खून की कमी ना पड़े, इस उद्देश्य से खून का संकलन करके राष्ट्रहित के रक्तदान कर सहकार्य किया गया। वीरांगना महारानी दुर्गावती उत्सवकृति समिति सदस्य सुभाष औतराम, सुनील आंदे, अमोल सलामे, सूरज मड़ावी, दीपक फरंदे, बंटी टेकाम, सुभाष पुर के पार्षद शंकर मोहमारे, लीलाधर मड़ावी इस समय उपस्थित थे। दरवर्षी जागतिक आदिवासी दिवस हा मोठ्या प्रमाणात विश्वामध्ये साजरा करण्यात येतो, परंतु विश्वामध्ये आज कोविड-19 या देशाच्या कोरोना रोगाच्या प्रादुर्भावाने विश्व आदिवासी दिवस हा साजरा करण्यामध्ये शासनाने काही नियम अटी लादलेल्या होत्या, त्या अनुषंगाने आम्ही नियमाचे पालन करत शासनाला याबद्दलची आम्ही पूर्वसूचना देऊन शासनाने आम्हाला पूर्व परवानगी देऊन विश्व आदिवासी दिवसानिमित्त वीरांगना महारानी दुर्गावती स्मारक समितीच्या वतीने देशातील रक्ताचा तुटवडा भागू नये या उद्देशाने राष्ट्रहिताकरिता वीरांगना महारानी दुर्गावती स्मारक समितीच्या वतीने व पेनवासी रवी नारायणराव मडकाम याच्या स्मृती प्रित्यर्थने भव्य रक्तदान शिबिर आम्ही वीरांगना महारानी दुर्गावती भवन राणी दुर्गावती समाज भवन येथे आम्ही आयोजित करण्यात आलं होतं। आणि या रक्तदान शिबिराकरिता राष्ट्रहिताकरिता सर्व रक्तदात्यांनी रक्तदान करून सर्वांनी योग्यरित्या आम्हाला प्रतिसाद देऊन या रक्तदान शिबिर योग्यरित्या यशस्वी झाले। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।